إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الزمر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب हाजिरीन जुमा खुतबाए मसूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल जुमर की आयत नंबर 9 पढ़ी है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में फरमाया, कुल ऐ नबी आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो बेइल्म हैं, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये अल्लाह का सवाल है और इस सवाल के जवाब में यही जवाब आएगा कि नहीं। हर एक कहेगा, यहां तक कि बेइल्म जाहिल भी कहेगा कि इल्म वाला लिखा पढ़ा और अनपढ़ बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, फिर अल्लाह ने फरमाया जो लोग अकलमंद हैं वही लोग नसीहत हासिल करते हैं, इबरत हासिल करते हैं, वाज़ो नसीहत की बातें उनको फायदा पहुंचाती है जो अकलमंद हैं, और जिनको वाज़ो नसीहत की बातें कुछ भी फायदा ना पहुंचाए तो आप समझ लो कि दुनियावी अकल कितने भी रख लें शरीयत एतबार से वो बेअकल है, नासमझ है। हजरत, इल्म उसकी फजीलत और अहमियत, इसके ताल्लुक से आपने बारहा सुना और बहुत सारी बातें सुनी, और बारहा सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए, क्योंकि यही असल है, यही बुनियाद है, इसी के जरिए से कौमों की तरक्की होगी, इसी के जरिए से अफराद की इसलाह होगी, इसी इल्म के जरिए से हमारी और आपकी इसलाह होगी, इसी इल्म के जरिए से हम रब को पहचान सकते हैं, इसी इल्म के जरिए से हम तौहीद को जान सकते हैं, इसी इल्म के जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि इस्लाम का सही अकीदा और मनहज क्या है, इसी इल्म से हम मालूम कर सकते हैं कि नबी के फरमुदात और तालीमात हक्का क्या क्या हैं,
इसी इल्म से हम मालूम कर सकते हैं हमारे असलाफ किराम ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी इल्म से आप अपने दुश्मन को जेर कर सकते हो। यही इल्म है जिसके जरिए से आप अंधेरों से रोशनी की तरफ आ सकते हो। यही इल्म है जिसके जरिए से आप हर तरह के खुराफात से निकल के अच्छे रोशनी की तरफ आ सकते हो। यही इल्म है जिसके जरिए से हर तरह के बातिल और बातिलों के अज्ञानों में आप चैलेंज कर सकते हो। यही इल्म है अगर किसी जानवर के पास आ जाए तो भी उसका मुकाम आम जानवरों से ऊंचा हो जाए। और यही इल्म है जिसके पास ये आ जाए तो हर एक उसके सामने सजदा करने पर राजी हो जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म आया और उस इल्म की वजह से उसके वो भाई जो कल तक उनके मुखालिफ थे, उनके दुश्मन थे, आज उनके सामने सजदा रेज हो रहे हैं। हजरत, तमहीद का मकसद यह है, बुनियादी बातों का मकसद यह है, मौजूदा हालात में खुसूसी तौर पर हमारे अपने वतन अजीज इस इंडिया में जो हालात मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं जानबूझकर और बन रहे हैं, ऐसे हालात में मैं चंद बातें और चंद गुजारिशात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ऐसे हालात में याद रखिए, इल्म, इल्म के जरिए से आप इन बातों को खत्म कर सकते हो। और ये इल्म कौन सा इल्म है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इल्म की अहमियत और फजीलत नहीं, मैं आपके सामने आज कुछ इधर उधर की परागंदा बातें ही बताऊंगा जो इल्म और आज के हालात में जो जरूरत है। हजरत, इल्म किसको कहा जाता है? इल्म किसी चीज की हकीकत को मालूम करने का नाम इल्म है। मालूमात अलग है, इल्म अलग है। मालूमात अलग है, हमें मालूम है कि हाँ बुखार आ जाने से एक दवाई है, क्रोसिन कैल्पल लेने से बुखार उतर जाता है, ये थोड़ी मालूमात हमें है। लेकिन मेडिकल साइंस का और दवाई का इल्म हमें नहीं है। इल्म और मालूमात में फर्क है। इल्म उसके पास है जो उसके फन का माहिर है, उसको पता है इसके अंदर के कॉम्बिनेशन क्या क्या है, इसके साथ क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये कब मुजिर है, कब मुफीद है, कब नुकसानदेह है और कब सूदमंद है, उसको कहा जाता है इल्म। और इल्म हासिल करने के लिए देखिए क्या इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला ने सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 19 में अपने नबी को खिताब करके फरमाया, ऐ नबी फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक। अल्लाह अकबर। कहा कि ऐ नबी आप इल्म हासिल करो। किससे कहा जा रहा है? सबसे बड़े आलिम को, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया है, जिन पर वही नाजिल हुई है, उनसे कहा जा रहा है इल्म हासिल करो। फालम, इल्म हासिल करो। किस चीज का इल्म? अन्नहु, इस बात का इल्म के वो अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं है। सबसे पहले इल्म हासिल करो तो अपने रब का इल्म हासिल करो, अपने रब की मारिफत का इल्म हासिल करो, तौहीद का इल्म हासिल करो। तौहीद आ जाए, इसी में हर चीज का हल है। आज परेशानी है, आज तकलीफें हैं, आज इत्तेहाद नहीं है, आज दिलों में मोहब्बत नहीं है, उल्फत नहीं है, मुसलमान पारा पारा है, मुख्तलिफ जमातों में टोलियों में बटे हुए हैं, सबका हल तौहीद में है। क्योंकि तौहीद ही इत्तेहाद से है, वाहिद से हैं, अहद से हैं, एक से हैं। तौहीद में इत्तेहाद है, तौहीद के अलावा किसी बुनियाद पर इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता है। आज हम लोग स्टेज पे आकर हाथ उठाकर इत्तेहाद का सबूत देते हैं, कोई तकरीर करके इत्तेहाद का सबूत देते हैं, कोई कुछ लिखकर इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, कोई कुछ आवाज बुलंद करके एहतजाज करके देते हैं, वहां से बाहर निकले तो मेरा अकीदा अलग, आपका अकीदा अलग, आपकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, और मैं एक तरीका रखता हूं, आप एक तरीका रखते हैं, कहां से होगा? बोलो, कहां से इत्तेहाद आए? इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाइयों कि सबसे पहले हम तौहीद का इल्म हासिल करें। फालम, और एक बात नोट करने की है,
क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नबी को मालूम नहीं था? हम और आप बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो चना क्या सुनते चलो जाते हैं, है ना। नबी से कहा जा रहा है फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात का इल्म हासिल करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से तफसील इल्म हासिल करो, सिर्फ उसका माना और मतलब नहीं, माना और मफहूम क्या है, उसके तकाजे और डिमांड्स क्या है, उसके कंडीशंस और शुरूत क्या है, सारी तफसीलात के साथ इल्म हासिल करो। ये पहला इल्म है जो मुसलमानों को हासिल करना है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी ने भी ये तालीम दी है कि जब बच्चा बोलने लगे तो उसको सबसे पहले तौहीद की तालीम दो, अल्लाह कहना सीखो, कहो कि बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में दिलाया करो। तो ये इल्म हमें हासिल करना है। इसके बाद आप जो चाहे सीखो, इसके बाद आप जो चाहे पढ़ो। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली वही नाजिल की है। देखिए उस वक्त के हालात क्या थे, माहौल क्या थे, हर तरह की बुराइयां पाई जाती थी। आज आप देखते जाइए जो जो बुराइयां हैं इनसे भी ज्यादा है। हुकूमतों का जुल्म मुसलमानों पर था कि नहीं था मक्के में? अफराद का जुल्म था कि नहीं था? था। शिर्क व बिदअत और खुराफात सब थे। बेहयाई का इर्तिकाब वो भी पाया जाता था। सूदखोरी, शराब नोशी, अय्यारी, मक्कारी, धोखाबाजी सब पाई जाती थी। चोरी, डकैती, राहजनी, लूट मार, खसोट सब पाई जाती थी। आप बुराइयों के बारे में जो जो सोच सकते हैं सोचते जाओ, लिखते जाओ, वो सारी बुराइयां मक्के के लोगों में पाई जाती थी। ऐसे हालात में, ऐसे हालात में इस्लाम ने जो पैगाम दिया, नुस्खा एक कीमिया है, ये नुस्खा एक कीमिया है, ये इसी के जरिए से इलाज होगा, यही असल दवाई है। हर तरह की बुराइयों का खातिमा चाहते हो तो कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो। क्या पढ़ना? जो चाहे पढ़ो, नहीं जो चाहे पढ़ो, नहीं क्या कहा, इकरा पढ़ो बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस परवरदिगार के नाम के साथ पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। ऐसी पढ़ाई पढ़ो, सबसे पहले बुनियादी तालीम ये हो जिसके जरिए से तुम अपने उस रब हकीकी को पहचान सकते हो, अल्लज़ी खलक, जिसने तुमको पैदा किया है, पैदा किया है, उसकी मारिफत हो। अगर ये इल्म नहीं है सब बेकार है, सब बेकार है। ये नहीं कि जो चाहे पढ़ो। शायर ने क्या खूब कहा है, तुम शौक से झूलो, पार्कों में घूमो, कॉलेजों में पढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना बंदाए आजिज की, तुम अपनी और अपनी हकीकत को, अपने रब को और अपनी हकीकत को ना भूलो। सबसे पहले याद रखना हम अल्लाह के बंदे हैं, हम इंसान हैं, हम बंदे हैं, बंदगी हमारा तुर्राए इम्तियाज है। बंदगी करेंगे तो बंदा कहलाएंगे, बंदगी नहीं करेंगे तो बंदे ये अल्लाह के बंदे नहीं कहलाएंगे। आज के हालात में कुछ लोग ये सोचते हैं चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, दीन छोड़ देते हैं और दुनियादार बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी भी हालात कुछ भी आए हमेशा सीना तान के हैं। नहीं, याद रखो मेरे भाइयों, हालात के साथ आपको तालीमात की रोशनी में आगे बढ़ना पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात नरमी दिखाई, समझौता किया, मदीने के यहूद के साथ आपने समझौता किया, लेकिन अकीदा और ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किए। लेकिन दीगर उमूर में बसा औकात समझौता करना पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में हमेशा ये कोशिश करते थे शुरू शुरू में कि यहूद की मुआफकत करें, यहूद की मुआफकत करें, बाद में आपने मुखालफत की जब हुकूमत आपकी बन गई तब, वरना शुरू में चाहते थे यहूद को खुश करने की कोशिश हो ताकि वो इस्लाम की तरफ मायल हो। हजरत इल्म, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में हुकूमत करना है, दुनिया में आपकी खिलाफत हो, दुनिया में आप चाहते हो कि खलीफा बने, इल्म हासिल करो। मैंने कह रहा, अल्लाह कह रहा है, और याद रखिए सिर्फ दुनियावी इल्म नहीं, उससे हुकूमत खिलाफत नहीं मिलेगी, मिलेगी तो तौहीद और इल्म की बुनियाद पर, तौहीद का इल्म, फिर उसके बाद दीगर दुनियावी इल्म, बुनियाद तौहीद है। अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा
की आयत नंबर 30 और 31 में आदम अलैहि सलाम की पैदाइश के बाद का जो वाकया जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, जमीन में खलीफा, अल्लाह के खलीफा नहीं, ये गलत तफसीर है, याद रखो। ये लोग आपस में एक दूसरे के बाद एक के बाद दीगर आने वाले हैं। जमीन में खलीफा, जमीन के खलीफा है या जमीन में खलीफा होंगे? तो उस वक्त अल्लाह ने किसको पैदा किया? जमीन में खलीफा बनाने के लिए किसको पैदा किया? आदम को पैदा किया है। और आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने सबसे पहला काम क्या किया? आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा। अल्लाह ने आदम को हर चीज का इल्म सिखाया, हर चीज के नाम की खासियत और इल्म दिया। अल्लामा, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म सिखाया आदम को। इसीलिए कहा जाता है मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, आदम की औलाद को सीखना पड़ता है। जानवर का बच्चा पैदा होते ही सीख जाता है, जाना कैसे चुनना है, क्या करना, कैसे क्या करना है, वो सीखता है। आदम की औलाद को सिखाना पड़ता है, क्योंकि पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले उनको सिखाया। खिलाफत अर्जी चाहते हो? अल्लाह ने उसके लिए क्या कहा? अल्लामा, सबसे पहले इल्म हासिल कराया। और अस्मा कुल्लहा, पहले इकरा का पैगाम दिया, तौहीद के बाद अब जो चाहे पढ़ो, अब जो चाहे पढ़ो, आसमान को पढ़ो, जमीन को पढ़ो, इंसान को पढ़ो, जानवरों को पढ़ो, हैवानात को पढ़ो और नबातात को पढ़ो, फिजा को पढ़ो, हवाओं को पढ़ो, रोशनी को पढ़ो, गिजा को पढ़ो, हर एक को पढ़ो। और आप जानते हैं कि इसका पैगाम अल्लाह ताला ने सूरह गाशिया में दिया है। जुमा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला ने पैगाम दिया है فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ। क्या है ये? आसमान का इल्म है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ो। ये पहाड़ों का इल्म है, ज्योग्राफी पढ़ा करो। ये जमीन के इल्म है, मादनियत है, ये केमिस्ट्री का इल्म है, पढ़ा करो। और क्या कमी आपको बताऊं, वक्त नाकाफी है। हर चीज का तसव्वुर कुरान में पाया जाता है, पढ़ो पढ़ो। और इब्ल जानवर के बारे में कहा, इंसान चाहे वो बायोलॉजी कह लीजिए, जूलॉजी कह लीजिए, इन सब चीजों को पढ़ो। ये इकरा की उम्मत है, ला तकरा, उम्मत इकरा ला तकरा। उम्मत इकरा कौन है? किसको कहा गया इकरा? कौन सी उम्मत को कहा गया? बोलो, उम्मत मोहम्मदिया को पढ़ते हो? उम्मत इकरा ला तकरा, अजीब तमाशा है ये। जिसको कहा गया पढ़ो वो पढ़ती नहीं है। पढ़ना चाहिए उस उम्मत को, पढ़ोगे तो लिखोगे, याद रखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये पुराने लोगों ने पहले कह दिया, ये हकीकत है मेरे भाइयों। इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है, इल्म इल्म वाले की हिफाजत करता है। आप जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, यहां आपको काम से निकाल दिया गया, वहां जाओ, फिर भी आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैरिस्टर है, आलिम है, फुला है, फुला है, ओहदेदार है, यहां से निकाल दिया गया, आज सदर थे, कल सदर साहब नहीं है, है ना? याद रखिए, ये ओहदेदार और ओहदे जो है ये टेम्पररी है। आज आप किसी फैक्ट्री के मालिक है, ओनर है, कल अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो चले गए आप, आज बॉस नहीं है, ओनर नहीं है, आप करोड़पति से रोडपति हो जा सकते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन इल्म वाला जब तक जिंदा है, इल्म उसकी हिफाजत करेगा और उस इल्म से उसकी शनाखत और पहचान होती है। याद रखना मेरे भाइयों, ये इल्म उसकी पहचान और वो अपने आप को मनवा के रखता है, उसकी हिफाजत करता है। आइए मैं आपको दो चार मिसाल दिए देता हूं। हुदहुद परिंदा, हुदहुद परिंदा, अब जानते हैं सूरह नमल का ये वाकया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की इजाजत के बगैर कहीं चला गया, कहां गया? मुल्क सबा चला गया। फतफक्कद अत्तायर, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों का जायजा लिए, उसके बाद कहा कि माली ला अरल हुदहुद, क्या बात है, हुदहुद नहीं पा रहा हूं।
हुदहुद को नहीं देख रहा हूं। कहां गया हुदहुद? मेरी इजाजत के बगैर चला गया। गजबनाक हुए, नाराज हुए और सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा, अगर उसने कोई वैलिड रीजन पेश नहीं किया, माकूल उजर पेश नहीं किया, लाजबहन्ना, उसको मैं जबा कर दूंगा, जबा कर दूंगा। इतने गजबनाक आज हालात ऐसे है ना। इल्म देखो कैसे साहिब इल्म की हिफाजत करता, वो भी एक जानवर, मामूली परिंदा। उसके बाद हुदहुद परिंदा आया, आने के बाद सुलेमान ने पूछा कहां गए थे मेरी मर्जी के बगैर, मेरी इजाजत के बगैर? तो उसके बाद हुदहुद ने कहा, मेरे पास ऐसा इल्म है, आई बादशाह सलामत, माफ करना, आपके पास वो इल्म नहीं है। इससे मालूम होता है अल्लाह के अलावा अंबिया भी आलिमुल गैब नहीं है। परिंदे का अकीदा है और ये अशरफुल मखलूकात इंसान, ये कहते हैं कि अंबिया को गैब का इल्म है, नबी को गैब का इल्म है। परिंदे से अकीदा सीखा करो। हुदहुद परिंदा ने क्या कहा? अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मेरे पास ऐसा इल्म, मैंने ये हाथा कर लाया है, खोज के लाया है, आपके पास वो नहीं है। लम तुहित भी, आप उसके बारे में, जबकि आपको करना चाहिए, आप बादशाह भी हैं और आप एक नबी भी हैं। मैंने देखा मलिका सबा के यहां पर एक औरत वहां पर हुक्मरानी करती है। एक तो एक समाजी जुर्म है और दूसरा औरत की हुकूमत और औरत की बादशाहत एक परिंदे के पास भी मुसल्लम नहीं है। अल्लाह, एक परिंदे को भी एतराज है, परिंदे को भी एतराज है। उसके बाद कहा दूसरा जुर्म, अकीदे का जुर्म है, कहा कि वो लोग सूरज की इबादत करते हैं अल्लाह को छोड़ के, आप नबी हैं, समझाना चाहिए, आप बादशाह पैगाम भेजना चाहिए। देखो सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है चलो, मैंने तुमको माफ कर दिया। हुदहुद परिंदा जो बचा कैसे बचा बताओ? इल्म की वजह से, अल्लाह ने उसको ऐसा इल्म दिया था। और देखो आम जानवरों का, आम कुत्ता अगर जिस्म बर्तन में मुंह डाल दे, 7 बार धोना पड़ेगा, 1 बार कम से कम मिट्टी से या साबुन पाउडर वगैरह से धोना पड़ेगा, तब जाके पाक होगा। पलीद नापाक जानवर है नहीं? लेकिन ऐसा कुत्ता जिसके पास इल्म आ गया, ऐसा कुत्ता जिसके पास इल्म आ गया, आम कुत्ते से उसका मुकाम ऊंचा हो गया। अल्लाह ताला ने सूरह माईदा में फरमाया, सूरह माईदा के आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग पूछते हैं कि हलाल चीजें क्या क्या है, आई नबी आप फरमा दीजिए हलाल ये 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 है, लंबी आयत है। उसके बाद कहा कि देखो वमा अल्लमतुमुल जवारे मुकल्लबीन, कहा कि वो कुत्ते जिनको तुमने सिखाया है, इल्म दिया है, सदाया है, ट्रेंड किया है, ऐसा कुत्ता शिकार करके लाता है तो खाया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो कुत्ते का मुकाम ऊंचा हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मैंने आपको बता दिया। इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है। मेरे भाइयों आज देखो मौजूदा हालात में, मुल्क के मौजूदा हालात में, आज से बहुत चंद साल पहले, आज से कई साल पहले अल्लाह गरी के रहमत फरमाए सर सैयद अहमद पर, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की थी। अल्लाह रहमत फरमाए जाकिर हुसैन पर, उन्होंने जामिया मिल्लिया कायम की थी। आज देखो वही जामिया मिल्लिया से सबसे पहले सीए के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, वही अलीगढ़ से आज सबसे पहले वही तलबा ने, यही स्टूडेंट ने इल्म के जरिए से किया। उनके पास इल्म था कैसे कैसे हालात का मुकाबला करना, कैसे चैलेंज करना, उन्होंने समझा है। और दो टोक अल्फाज में मेरी मां और बहनें भी, लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बयान दिए हैं, सामने वाले दंग रह जाएं, ये कब होगा बताओ? इल्म आए तो होगा, इल्म ये इदारे हैं, इल्म के इदारे हैं, जाल बिछाया करो, जाल बिछाया करो, तब जाकर आप कामयाब होगे। आज जो इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं, उनके इल्म के इदारे के जाल बिछे हुए हैं हर जगह पर, एक नेटवर्किंग है इनके दरमियान, और हमारे पास एक दूसरे के साथ इनाद है, दुश्मनी है, हसद और बुग्ज है। इखलास की अलामत में आपको बताता हूं, अहले इल्म ने लिखा इखलास किसको कहा जाता है। इखलास की अलामत यह है, मैं जो काम करता हूं, इल्मी इस्लाही दावती तबलीगी जो भी काम करता हूं, मैं अपने स्कूल से, इदारे से, मस्जिद से, मराकज से, मदारिस से, सेंटर से जो काम करता हूं, वही काम अगर आप भी करें
तो मुझे खुशी होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह और भी कोई आए हैं करने वाले, ये इखलास की अलामत है। और अगर आपके काम देखकर मैं जो कर रहा था आप भी करने लगे, देखकर मेरे दिल में अगर हसद पैदा हुआ, ये इखलास नहीं ये हसद है, याद रखो ये इखलास की अलामत नहीं है। हर आदमी अपने आप को तोल के टटोल के इस तराजू में अपने आप को तोल लिया करें। हजरत इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है, दुनियावी एतबार से भी, उखरावी एतबार से भी, और अकीदा और मनहज और शिर्क से भी इसको बचाता है। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आपको कुछ, मैंने कहा कि आज मैं आपको ऐसे बिखरी हुई चंद बातें बताऊंगा जो हकीकत से ताल्लुक रखने वाले हैं। दुनियावी एतबार से मिसाल मैंने हमें दी है, और एक मिसाल दुनियावी एतबार से देता हूं, फिर उखरावी एतबार से एक दूंगा। अमेरिका में आज से कई साल पहले इंडिया के एक जात है जो यहां पर 3-2.5% में है, नाम लेना नहीं चाहता, 3-2% में है और वही हर जगह पर राज कर रहे हैं, और आज इंडिया को वो वही बनाना चाहते हैं, अपने राज बनाना चाहते हैं, नाम कुछ और ले रहे हैं। ये अपने आप को इंसान समझते, सारे इंसानों को जानवर समझते हैं, वो कहते हैं गोयम्स, दे आर गोयम्स, हम सिर्फ इंसान है बाकी सब गोयम्स है, उनके मार दो खत्म करो, मर जाए, बिलक जाए, सिसक जाए, तड़प जाए, महीनों एहतजाज करे, कोई फर्क पड़ना नहीं होना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह उनको नहीं पूछेगा, उनका यह अकीदा है। अल्लाह ने कुरान में कहा लैस अलैना फिल उम्मीना सबील, ये यहूदी लोग कहते हैं, ये लोग भी यहूद की नस्ल से हैं, यहूदी लोग कहते हैं जो उम्मी गैर यहूदी के बारे में अल्लाह हमको नहीं पूछेगा, उनको मार दो, कत्ल करो, उनके माल लूटो, इज्जत लूटो, उनको जो चाहे जुल्म ढाओ, सितम ढाओ, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करो, अल्लाह नहीं पूछेगा। इस माना करके अहले इल्म ने लिखा है यहूद सारी इंसानियत के दुश्मन है, सारे इंसानों के दुश्मन है, और उन्हीं के 3% लोग यहां है, यहां के सारे इंसानों के दुश्मन है, याद रखो। वो एक जमाने में ऐसा था अमेरिका में, ऐसे लोगों को चुन चुन के मारा जाता था, मारा जाता था, तहकीक है ये, तहकीक है ये, चुन चुन के मारा जाता था, उनका जीना हराम कर दिया गया था, जो भी देखते हैं फुला है, खत्म करो, ऐसा गुस्सा था, यानी ऐसे लोग थे वो, ऐसे लोग थे वो, इसीलिए एक जालिम बादशाह ने उनको जला के मार दिया बहुत सरों को। बहरहाल उसके बाद इन लोगों ने हिकमत अमली स्ट्रैटेजी चेंज किए, क्या किए हिकमत अमली, नहीं हम ऐसे ही कामयाब नहीं हो सकते हैं, चलो हम ऐसे काबिल बनते हैं, ऐसे लायक और फायक बनते हैं, इल्म के मैदान में से आगे बढ़ते हैं, 3 वक्त खाना छोड़ के 2 वक्त खाए और खाना कम करके क्या किए, इल्म हासिल करना शुरू किए। हम कभी करते हैं मुसलमानों के कबीले में और मोहल्ले में चले जाओ, 2 दुकानें कसरत से मिलेगी, गोश्त की दुकानें, कपड़े की दुकानें, मुसलमानों के इलाके में गोश्त की दुकानें, होटल खाने पीने के बहुत मिलेंगे, कपड़े की दुकानें बहुत मिलेंगे, वही अगर कहो कि भाई चलो फीस पे करो, इधर उधर झांकेंगे और सैरो तफरी में खाने पीने में हजारों उड़ा देंगे, लेकिन फीस पे करो नहीं, कौन जाके लाइन में खड़ेगा जी वहां, बड़े बड़े अहदेदार जाकर स्कूल के कॉलेजों में एक लाइन में घंटों खड़ते हैं, और हमारे पास वो चीज नहीं है। इल्म, इल्म के लिए अपने आप को झुकाओ तब जाकर कामयाब होगे, इल्म के लिए खर्च करो तब जाकर कामयाब होगे। वो लोग क्या किए, ना खाकर, आज भी देखो जो लोग यहां 3% है ना, उलूम फुनून में वही आगे बढ़े हुए हैं, हर जगह पर उनकी 3% होते हुए ये सर्वे है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में 96% वही लोग हैं, हाई कोर्ट में 88% वो लोग हैं, मीडिया में 98% वो लोग हैं मीडिया में, और दीगर इदारा जात में, सब जगह तालीमी इदारे में चले जाइए, हर जगह पर 80 से रेशो कम नहीं है, जबकि है 3% सिर्फ। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर, ना खा के, तकलीफ पढ़ के, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, लिखेंगे जरूर, आगे बढ़ेंगे जरूर, और उसके बुनियाद पर उनको बड़ा फायदा होता नजर आया है। हजरत याद रखना, हमारे पास वो चीज नहीं है। तो वो 3% लोग अमेरिका में जो सताए जा रहे थे, इल्म हासिल किए, लिखना पढ़ना, पढ़ते 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 आज हालात ये हैं, आज चंद सालों से हालात ये बने हैं,
आज अमेरिका के बड़े बड़े पोस्ट पर यही लोग छाए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में ये लोग छाए हुए हैं, यहां तक के वहां के वजारत उज़्मा में भी दाखिल हो चुके हैं, यही के लोग हैं, बड़े 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 इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में वही लोग हैं, साइंटिस्ट वही लोग हैं, इंजीनियर वही है, डॉक्टर वही लोग हैं, डॉक्टर के बड़े बड़े फील्ड में ये लोग हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में ये लोग छाए हुए हैं। कैसे हुआ? स्ट्रेटजी चेंज किए हैं। सीना तान के खड़े होने से नहीं होगा, क्या करना है? हिकमत अमली चेंज करो, एक वक्त ना खाकर इल्म हासिल करो, आगे बढ़ो, तकलीफों को बर्दाश्त करो, इल्म ऐसा नहीं आएगा। इल्म के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वही के जरिए से बता देता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया एक करा, तो नबी ने क्या कहा? मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे नहीं आता। क्या यह उजुर एक्सेप्ट हुआ? ये एक्सक्यूज कबूल हुआ? बोलो, हुआ नहीं हुआ? नहीं, पढ़ना पड़ेगा। उम्मत मोहम्मदी देखो, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, नहीं चलेगा उजुर। फरिश्ते ने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। उसके लिए क्या किए? सीने से जोर से दबोचे, दबोचे कि नहीं दबोचे? इतना दबोचे, नबी कह रहे कि मेरी दम घुटने लगी है, हाँ मेरा दम निकलने लगा, कोई ऐसा हो रहा था। इल्म हासिल करना तो दम घुटाना पड़ेगा। हाँ, इल्म चाहते हो, अपने आप को ऐसे थकाओ, ऐसे थकाओ। फारसी का शायर कहता है, चुशमा अस्पाए इल्म बायद गुदाक, बे इल्म ना तवा खुदारा शनाक। याद रखो, इल्म के पीछे जैसे एक मोमबत्ती पिघल जाती है, वैसे अपने आप को पिघलाया करो। बे इल्म खुदा को पहचान नहीं सकता। याद रखना मेरे भाई को, दबोचे नबी ने, नबी को दबोचा गया तीन तीन बार और कहा कि पढ़ना नहीं आता, ये उजुर नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आखिरकार पढ़वाया गया, पढ़वाया गया, और तकलीफ देकर पढ़वाया गया। इल्म के लिए तकलीफ उठाना पड़ेगा, ऐसे ही इल्म नहीं आएगा। और एक वाकया बता देता हूं, याद आ जा रहा है, हजरत मूसा अलैहि सलाम और खिजर अलैहि सलाम के वाकये में, ये इबरत की बातें हैं। ये सब कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझो। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को भेजा, जाओ खिजर अलैहि सलाम के पास जाकर इल्म हासिल करके आओ, इल्म हासिल करके आओ। और राजे कौल के मुताबिक शेख बिन बाज की तहकीक है कि खिजर अलैहि सलाम भी एक नबी थे, नबी थे। बहरहाल तो उनके पास भेजे, तो खिजर अलैहि सलाम ने क्या कहा? सबसे पहला जुमला क्या था? तुम सब्र नहीं कर पाओगे, इन्ना कलन तस्तितिया माया सबरा, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। सूरह कहफ हर जुमा पढ़ते हैं ना, है कि नहीं है? इल्म के लिए क्या करना? सबर, कंट्रोल, सबर। अपने आप को थकाना पड़ेगा। सबर का मतलब क्या? सेल्फ कंट्रोल। मेरा जी चाह रहा है खेलने जाऊं, मेरा साथी खेल रहा है, सबर करो, दिल को मनाओ। मेरा जी चाह रहा है सो जाओ, नहीं, सबर करो, अपने आप को थकाना पड़ेगा, कंट्रोल करो, तब जाकर इल्म आएगा। और मूसा अलैहि सलाम ने भी वही कहा, सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, आप मुझे सबर करने वाले पाओगे, सबर करोगे तो इल्म आएगा, वरना इल्म नहीं आएगा। मेरे भाई को, ये तो मैंने आपको दुनियावी मिसाल दी है, आपको शिर्क से भी आपका इल्म आपको बचा सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का वाकया है, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने मजमूल फतावा में उन्होंने जिक्र किया है, यह वाकया जिक्र किया है कि एक रात अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह इबादत कर रहे थे। रूम कमरा एकदम डार्क था, तारीख था, कोई रोशनी थी नहीं। अचानक रोशन हो गया रूम, रूम एकदम रोशन हो गया, कमरा एकदम रोशन हो गया, और गैब से आवाज आई, अय अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब अल्लाह बोल रहा हूं, तूने आज तक इतनी इबादतें की है, मैं खुश होकर तेरी आगे की इबादतों को माफ कर दिया, आगे तू जो चाहे कर ले, मैंने तेरे लिए जन्नत लिख दी। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ मलऊन मर्दूद, शैतान कहीं का, तू मेरा रब नहीं, तू शैतान मर्दूद है, मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादत माफ नहीं हुई और तू कह रहा कि मेरी इबादत माफ हो गई। शैतान ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी याद रख, तू तो मुझे पहचान लिया, आज की रात मैं तेरे जैसे 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया, उनके पास इबादत का शौक और जज्बा था, इल्म नहीं था, इल्म नहीं था, मैंने उनको गुमराह कर दिया, आज तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया,
अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, आई शैतान तेरा दूसरा हमला और खतरनाक है, मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब ने मुझे बचा लिया, तू मुझे इल्म का नशा देना चाहता है, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला करना चाहता है, ये इस वस्फ ये सिफत बहुत घिनौनी है। और याद रखना, तू मुझे इल्म के का शिर्क में मुब्तला करना चाहता है। याद रख, इल्म जितना आए उतना झुकना चाहिए, अकड़ना चाहिए। अकड़ता कौन है? मुर्दा। झुकता कौन है? जिसके पास आजिज़ी इंकिसारी हो और जो जिंदा है। याद रखना मेरे भाइयों, ये सब हिकमत की बातें हैं। मौजूदा हालात में हमें चाहिए इन बातों का ख्याल रखें, इल्म हासिल करें। खुश आइंद बात ये है, और ये टॉपिक भी मैंने इसलिए चुना बहुत सारी बातों को सामने रखकर, अभी गुज़िश्ता दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह नीट का रिजल्ट आया, अब देखे हैं टॉपर एक मुस्लिम लड़का, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमारे सर्कल में अल्हम्दुलिल्लाह दो आलिम इमाम उनके बेटों को अल्हम्दुलिल्लाह बीएमसी में अल्हम्दुलिल्लाह सीट मिल गई, मेडिकल सीट अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे हमारे सर्कल में और भी ऐसे लोग हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में पढ़ी हुई लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेडिकल सीट हासिल किए हैं। अल्लाह उन सब बच्चों को होनहार बनाए और कौम और मिल्लत के और बच्चों को आगे बढ़ाएं, बड़ी खुशी होती है। आज यही चेंज करो, इस तरह से आगे बढ़ो, तकलीफ उठाकर ना खा के, परेशान होके तकलीफ उठा के, आराम को हराम करके, जरा ड्यूटी और कमाना थोड़ा कम करके, बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करो, आइंदा आपको फायदा होगा। आज से पहले जो जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्ला बनाया था, आज उसका रिटर्न हमें मिल रहा है। आज आप कायम करो, एक दरख बनाओ, आज से बहुत बाद इंशाल्लाह उसका फायदा होगा। और ये इल्म बेहतरीन सदकाए जारिया है, सदकाए जारिया मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए, पैगाम है हम इल्म हासिल करें, कुरान का, हदीस का, दीनी इल्म, तौहीद, और साथ साथ दुनियावी उलूम फुनून में भी आगे बढ़ें, ऐसा कि आप मुकाबला कर सके, टक्कर दे सके, ऐसे हासिल करें। क्योंकि अल्लाह ने मुसलमानों को दिमाग दिया है, उसका सही इस्तेमाल करो, सिर्फ खाने पीने पहनने ओढ़ने और ऐसे करने के लिए आगे ना बढ़ें। हमारे इस मुल्क की मिसाल भी है, जिन्होंने न्यूक्लियर बनाया है, गर्चे वो नाम के ही मुसलमान सही, लेकिन नाम से भी चिढ़ते हैं ना, फिर भी ये लोग सर में बिठाए हैं उनको। और उनके वफात के बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी स्टैचू बनाकर पूजा भी शुरू कर दी, जो कि गलत है। लेकिन कहने का मकसद क्या है, यहां पर भी ये लोग आपकी जरूरत को महसूस करेंगे और आपके सपोर्टर बनेंगे, आपके हमदर्द खैर खा बनेंगे। आप उसके काबिल बन जाओ और कुछ देने वाले बन जाओ उलूम फुनून के एतबार से। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबरक तआला हमें और आपको कहने से सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والذلة والقلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهبن به علينا مصائب الدنيا اللهم متنا بأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافي مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم عافي جرحانا وجرح المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين